तो इस हिंदी देखो हिंदी के पाठ कौन है? गुरु नानक, यानी सिख संप्रदाय, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। इसी पाठ का अगला क्वेश्चन लिखिए, लिखना है प्रथम पद के आधार पर, तेजी में लिखो तो प्रथम पद के आधार पर बतावे कि कवि ने अपने युग में, कवि ने अपने युग में धर्म साधन के कैसे कैसे रूप देखे थे, कैसे कैसे रूप देखे थे। हो गया, उत्तर लिखो। गुरु नानक ने धर्म साधना के अपने समय में अनेक प्रचलित रूप देखे थे, अनेक प्रचलित रूप देखे थे, अनेक प्रचलित रूप देखे थे। देखे थे ग्रंथों का पाठ करना, ग्रंथों का पाठ करना, कॉमा लगा के शिक्षा बढ़ाना, शिक्षा बढ़ाना, व्याकरण वाचना करना, व्याकरण वाचना करना, धर्म साधन के अनेक रूप माने जाते हैं, धर्म साधन के अनेक रूप माने जाते हैं। तीर्थ के लिए जाना, तीर्थ, तीर्थ के लिए जाना, तन में भस्म रमाकर, तन में भस्म रमाकर साधु वेश धारण करना, साधु वेश धारण करना, दंड कमंडल धारी होना, दंड कमंडल धारी होना, वस्त्र त्याग कर नंगा होना, वस्त्र त्याग कर नंगा होना, आदि प्रकार के, आदि प्रकार के अपने युग में धर्म साधना के रूप, धर्म साधना के रूप देखे थे। प्रश्न अगला लिखो, कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ होता है?
कवि के दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ होता है? कवि के दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ होता है? उत्तर लिखो। वैसे प्राणी जो दुख को दुख नहीं मानता है, जो दुख को दुख नहीं मानता है, सुख प्राप्ति की इच्छा नहीं रखता है, सुख प्राप्ति की इच्छा नहीं रखता है, सुख प्राप्ति की इच्छा नहीं रखता है, स्नेह और प्रेम की कामना नहीं करता है, स्नेह और प्रेम की कामना नहीं करता है, स्नेह और प्रेम की कामना नहीं करता है, सोने को मिट्टी के समान समझता है, सोने को मिट्टी के समान समझता है, निंदा मोह अभिमान से दूर रहता है, निंदा मोह अभिमान से दूर रहता है, निंदा मोह अभिमान से दूर रहता है, जिसके नजदीक न खुशी न शोक होती है, जिसके नजदीक न खुशी न शोक होता है, जिसके नजदीक खुशी और न शोक होता है, मान अपमान काम क्रोध डर आदि को त्याग कर, आदि को त्याग कर जो मनुष्य या जो प्राणी, जो मनुष्य या जो प्राणी इस संसार में होता है, इस संसार में होता है, वैसे प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में ब्रह्म का निवास होता है, ब्रह्म का निवास होता है। प्रश्न अगला है, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान होती है, किस युक्ति की पहचान होती है,
गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान होती है? उत्तर लिखिए, गुरु की अगर कृपा हो जाए, गुरु की अगर कृपा हो जाए गुरु की कृपा अगर हो जाए तो जीवन सफल हो जाता है। जीवन सफल हो जाता है। प्राणी के लिए भक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। भक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। संसार रूपी भवसागर को पार करने की युक्ति क्या है? पार करने की युक्ति क्या है? पार करने की युक्ति क्या है? इस युक्ति को वह मनुष्य से पहचान जाता है। इस युक्ति को वह मनुष्य पहचान जाता है। इस युक्ति को वह मनुष्य पहचान जाता है और संसार रूपी भवसागर को वह पार कर जाता है। प्रश्न अगला है, नाम कीर्तन के आगे कभी किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। उत्तर लिखिए, नाम कीर्तन के आगे कवि पुस्तकों के अध्ययन संध्या गायत्री कर्म करना व्याकरण का मनन दंड कमंडल ग्रहण करना जनेऊ धारण करना
जटा बढ़ाना, जटा बढ़ाना, तीर्थ करना, भस्म लेपन करना, नंगा होकर साधु वेश धारण करना, नंगा होकर साधु वेश धारण करना, इन सबको वह बाह्य आडंबर मानते हैं, इन सबों को वह बाह्य आडंबर मानते हैं, बाह्य आडंबर मानते हैं। इन्हीं कर्मों को वे व्यर्थ सिद्ध करते हैं, इन्हीं कर्मों को वे व्यर्थ सिद्ध करते हैं, व्यर्थ सिद्ध करते हैं।